नेताजी ने कहा भारतवर्ष पृथ्वी का छोटा रूप है, वो बांग्ला पुस्तक है, मैंने हिंदी अनुवाद कर लिया उसका। नेताजी कहते हैं भारतवर्ष पृथ्वी का छोटा रूप है, संसार की सारी समस्याएं भारतवर्ष में विद्यमान है, अतः भारत की समस्याओं के समाधान का अर्थ ही है संसार की समस्या का निराकरण। आज के विश्व को उसके समस्याओं से राहत देकर सुख शांति युक्त नई दुनिया खड़ा करने का दायित्व और उसकी क्षमता भारत में है, भारत को ये करना है, ये सुभाष बाबू बता रहे हैं। लेकिन ये करना है तो क्या करना होगा, हमको कुछ हमारे दुर्गुण छोड़ने पड़ेंगे। वो दुर्गुण क्या है, सारांश में अगर कहना है तो नेताजी कहते हैं जिस दिन भारत पराधीन हुआ उसी दिन से ही भारत ने समष्टिगत साधना को भूलकर व्यक्तित्व विकास में अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया है। राष्ट्र को छोड़कर व्यक्तित्व की सार्थकता नहीं है, इस बात को आज सबको हृदयंगम करना होगा। यानी हम लोग अपनी अपनी उन्नति की सोचते हैं, मेरा ठीक हो, मेरे परिवार का ठीक, मेरे देश का ठीक हो नहीं सुनते, नहीं सोचते। कोई अपना छोटा समूह बना लेते, अपनी जाति का ठीक हो, अपने प्रांत का ठीक लो, अपने पंथ संप्रदाय का सब ठीक चले, लेकिन देश का ठीक चले ये नहीं सोचते। ऐसा करना हमने छोड़ दिया, हमारा पराधीनता का समय वहीं से प्रारंभ होता, क्योंकि हम अपने एकात्म स्वरूप को भूल गए। अनेक पंथ संप्रदाय, अनेक जाति उपजाति, अनेक देवी देवता, अनेक खान पान रीति रिवाज, भूगोल अनेक प्रकार का, लंबा चौड़ा विविध प्रकार के मनुष्यों से भरा हुआ ये देश, उनके मतांतर भी विविध है। ये सब होने के बावजूद प्राचीन समय से हम एक भारत है। महाभारत काल के इतिहास के पश्चात समय के किसी क्षण पर हम इसको भूल गए, भूल गए। इसलिए हम क्या है, भूल गए तो हमारे कौन है, हम भूल गए और इसलिए आपस में लड़ पड़े। हमारी गुटबाजी का लाभ आक्रमकों के ने लिया। हमको ये सारी संकुचित भावनाएं छोड़ देनी चाहिए। मैं हूं, मेरा परिवार है, मेरी जाति, मेरा पंथ संप्रदाय, मेरी भाषा, ये सब है, इसको ठीक रखना है। परंतु इसको ठीक किस लिए रखना है, सबसे ऊपर मेरा देश, सबसे ऊपर भारत माता की। रोज संघ में हम प्रार्थना करते हैं भारत माता की जय। प्रारंभ होता है नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, भगवान को नमस्कार दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर भारत माता का नमस्कार, और प्रार्थना का अंत भी भारत माता की जय से। देशार्चन, देश के लिए गुणवान होना, देश का सारे गुणवत्ता का अर्पण करना, जो जो मेरा है वो देश के लिए देना, देश को मानना, अपने देश को बनना, अपने देश को बना, हम स्वयं बने भारत के प्रतिरूप, हम मूर्तिमान भारत का आचरण बने, यह साधना करनी पड़ती है। नेताजी कहते हैं इसकी आवश्यकता है, वो हमने छोड़ दिया, इसलिए ये गुलामी हम झेल रहे हैं।